हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन यमुना हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा, नित्य गौर हरि श्री राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्री चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के 24वें अध्याय से सुन कर रहे थे, जिसका नाम था महाप्रभु का अद्वैत आचार्य को विराट रूप का दर्शन देना। ये हमने श्रवण किया था, महाप्रभु ने हमने कल कक्षा में श्रवण किया था कि किस तरह से महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को अपना विश्व रूप यूनिवर्सल फॉर्म बताया। अद्वैत आचार्य उसको देख के बहुत आश्चर्यचकित हुए थे। ये अद्वैत आचार्य की इच्छा थी कि अद्वैत आचार्य ने भगवान से बोला था कि जैसे आपने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, उसे मुझे भी उसी तरह मुझे भी वो विश्व रूप दिखाइए। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य की इच्छा को पूरा करते हुए महाप्रभु ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया था। आगे बोलते हैं, उसके बाद महाप्रभु ने इस रूप को देखने के बाद में अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु दोनों ने अपनी बाहरी चेतना खो दी और बहुत आनंद में नाचने लगे। दोनों अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु भी बाद में आ गए थे। अद्वैत आचार्य को जो भगवान विश्व दिखा रहे थे, नित्यानंद प्रभु भी बाद में आ गए थे। केहा नाचे केहा गए दिया कर ताली, धुलिया धुलिया बोले दुई महाबली।
पावरफुल लॉर्ड्स जो है भगवान आगे पीछे डोलने लगे, एक डांस करने लगे और गुड्डू से गाने लगे और दोनों हाथ से ताली बजाने लगे। ए माते दुई जने महक कुतुहा, लिसा से दुई जने बाजी ले गला गली। इस प्रकार से दोनों भगवान, दोनों प्रभु, कौन, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, दोनों बहुत आनंद प्राप्त करने लगे। बाद में एक दूसरे से मजाक मजाक में गाला गली भी करने लगे। अद्वैत बोले अवधूत माता लिया, एहा कौन जनन तो के आनी लदा किया। अद्वैत आचार्य कहते हैं यू इन टॉक, अद्वैत आचार्य को बोलते हैं तुम मदमस्त अवधूत नित्यानंद हो, तुमको किसने इनवाइट किया यहाँ पर आने के लिए, किसने आमंत्रित किया। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं दुआरा भांगिया सी संभालिया केने सन्यासी करिया तोरे, बोले कौन जाने तुमने दरवाजा क्यों तोड़ा और क्यों आए। ये अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो बाद में आए थे, अद्वैत आचार्य पहले आ चुके। और कौन बोलता है तुम सन्यासी हो, है ना जाति ना ही ना खैला जा रहा घरे, जाति अच्छे है ना कौन है जने बोले तोरे। तुम हर किसी के घर में कुछ भी खा लेते हो बिना उसकी जाति देखे, कौन कह सकता है कि तुमने अपनी जाति को बनाए रखा। वैष्णव ऐसा भाई के ने महा मातो याल, जहां ते ना ही पाला इते ना ही बेकभाल। तुम इतने मदमस्त हो, तुम इत वैष्णव की सभा में क्या कर रहे हो, मद में होके नशे में होके तुम वैष्णव की सभा में क्या कर रहे हो, चले जाओ यहां से, अदरवाइज नहीं तो तुम्हें, तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी, चले जाओ यहाँ से। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को कह रहे। नित्यानंद बोले यार नाड़ा वासी था का किलिया पाड़ों के दिखाई प्रताप। नित्यानंद बोलते हैं ओ नाड़ा जस्ट बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो मैं अभी तुमको पंच करके मुक्का मार के तुमको अपनी पावर बताऊंगा। तो दोनों ही भगवान के रूप हैं, नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु महाविष्णु है, और नित्यानंद अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, दोनों ही भगवान के अवतार आपस में लीला कर रहे हैं इस प्रकार से। अरे बुदा वामन तुम्हारा भय नाई, आमी अवधूत मत ठाकुर रे भाई, स्त्रिया पुत्रे ग्रहे तुम्हें परम संसारी, परम हंसेरे पाठे आमी अधिकारी। नित्यानंद बोलते हैं अद्वैत आचार्य से तो ओ बूढ़े ब्राह्मण तुम मुझे पहचानते नहीं, तुम मुझसे डरते नहीं है। ये नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों ही भगवान के अवतार हैं, आपस में बात हो रही। मैं नशे में अवधूत हूँ, मैं मदमस्त अवधूत हूँ, मैं भगवान का भाई हूँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो वास्तव में बलराम के भाई। तुम तो मटेरियलिस्टिक हो, भौतिकतावादी हो, घर में रह रहे तुम बच्चों और पत्नी के साथ में रह रहे, मैंने तो परमहंस का आश्रम स्वीकार किया। तो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक झगड़ा करें नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु जो परमहंस है। और फिर बाद में बताने के लिए कि भौतिकतावादी की दृष्टि तुच्छ रहती है, वो अद्वैत आचार्य को मटेरियली हाउस होल्डर ग्रस्त बोल रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपने आप को परहंस बोल रहे हैं और अपने आप को गौर सुंदर के भाई बोल रहे हैं, ब्रदर बोल रहे हैं। और अद्वैत प्रभु को एक ओल्ड मैन बोल रहे हैं, गरीब ब्राह्मण बोल रहे हैं। इस प्रकार से एक दूसरे को बोल के वो आनंद ले रहे हैं दिया का। आमी मारी ले आओ किचू बोली ते ना पार, आमे सने तुम्हें आकार है ने गर्भकार। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य को बोलते हैं अगर मैं मार भी दूं तो आप कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन फिर भी तुम अपना अभिमान मेरे सामने बताते हो। सुनिया द्वैते क्रोधे अग्नि है न ज्वले, दिगंबर हय शेषम मंद बोले। जब अद्वैताचार्य ने सारे शब्द सुने, वो क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, अपने कपड़े भूल के वो बहुत कठोर शब्दों में नित्यानंद प्रभु को बोलने लगे। मत सिखाओ मांसा खाओ के मत सन्यासी, वस्त्र ए दिलामामी ए दिग्वासी। तुम फिश खाते हो, तुम मांसाहार करते हो, तुम मत्स्य मछली खाते हो, किस प्रकार के सन्यासी हो? ऐसे तो मैं भी सन्यासी बन सकता हूँ, कपड़े उतार के मैं भी सन्यासी बन सकता हूँ। तो यहाँ पे अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु से बोले, तुम सन्यासी तो बन गए, तुम दारी सन्यासी। दारी सन्यासी कौन होते हैं? जो फिश भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, और बोलते हैं कि हमने सारे वस्त्रों का त्याग कर दिया और हमने गृहस्थी का भी त्याग कर दिया। तुम तांत्रिक सन्यासी के समान है। तांत्रिक सन्यासी वैष्णव सन्यासी के ईश्वर होते हैं। तांत्रिक सन्यासी इंद्रिय तत्व में बिजी रहते हैं और शक्ति के सिद्धांत का पालन करते हैं। और पंच मकार, पंच मकार है उनमें, मांस माद्य मत्स्य महिला और मिथुन। पंच मकार, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, मत्स्य मछला महिला और मैथुन का। तो यहाँ पे इसलिए सब वार्तालाप चला जिससे पता लगे सब लोगों को कि किस प्रकार के सन्यासी कौन रहता है। और जो स्वतंत्र व्यवहार है वो सन्यासी का व्यवहार नहीं होता, क्योंकि सन्यासी कभी भी वेदों से स्वतंत्र नहीं होता, वेदों का आज्ञा का पालन करता है। अगर कोई ये सारे वाक्य पढ़ लेगा, इस प्रकार से अगर कोई इस प्रकार के शब्दों को पढ़ लेगा इस प्रकार के शब्दों को पढ़ने के बाद, जो मूर्ख लोग हैं वो श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु को पतित सन्यासी मान लेंगे। ये दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा है। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य बताना चाह रहे हैं कि जो झूठे सन्यासी रहते हैं, दारी सन्यासी रहते हैं जिनका नाम, वो इस प्रकार के सारे कार्यों में अपने आप को लिप्त रखते हैं। कोठा माता पिता कौन देशे वा वसंत वसती, के जाने आसिया बकुल देखी थी। कौन जाता है तुम्हारे माता, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु से बोलते, कौन जाता है तुम्हारा माता पिता कहाँ है, किस जगत के, किस जगह के? क्या तुम बोल सकते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है? एक चोर आसिया एते के कर पाक, खाई मु गिली मु सम हरी मु सब थक। एक चोर आया, उसने सारा डिस्टरबेंस कर दिया। रुको, अभी मैं सब कुछ खा जाऊंगा, निगल जाऊंगा और सब कुछ विनाश कर दूंगा। तारे बोली सन्यासी जे किछु नहीं चाहे, बोला है सन्यासी दिने 3 बार खाए। अद्वैताचार्य फिर नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलते हैं कि ये हम सन्यासी उसको बोलते हैं जो जिसको कुछ जरूरत नहीं, जिसकी कुछ इच्छाएं नहीं। पर ये जो चोर जो है 3 बार खाता है
और फिर भी अपने आप को सन्यासी कहता है। श्रीनिवास पंडितेर मूले जाति नाई कोठाकारे अवधूते आने दिला था। श्रीनिवास पंडित किसी की जाति से संबंध नहीं रखता, इसलिए वो इस अवधूत को कहीं से ले आया और यहाँ पे शरण दे दिया अपने आंगन में, क्योंकि शिवास पंडित की यहाँ ही नित्यानंद प्रभु रहते थे। अवधूत करीला सकल जाति नाश कोथा है ता मध्य पार हैला प्रकाश। ये अवधूत सन्यासी ने सब कुछ सबकी जाति को नष्ट कर दिया है। ये जो नशेड़ी है, डंकर ये पीने वाला जो है, ये कहाँ से आया हमें पता नहीं। कृष्ण प्रेम सुधार से मत दुई जान एनी वन कलह करे न अन्यों ने कलह करे न सर्व क्षण। इस प्रकार से दोनों कृष्ण के नशे में, कृष्ण के मद में मस्त होके दोनों एक दूसरे को झगड़ा कर, एक दूसरे से झगड़ा कर। इथे एक जाने रहा हय पक्ष जय अन्य जाने निंदा करे एक क्षय जाए हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से किसी का भी एक का पक्ष लेगा और दूसरे की निंदा करेगा तो वो विनाश हो जाएगा। जब भी दो वैष्णव का झगड़ा, तो उसमें जो है जिस व्यक्ति को इस बारे में पता नहीं, उसको किसी की साइड नहीं लेना चाहिए। एन प्रेम कलहरे मर्म न जानिया एक निंदे आर मंदे से मारे पुरी। एक व्यक्ति जो किसी की निंदा करता है और दूसरे की महिमा गाता है, बिना समझे समझे, बिना सोचे समझे कि दोनों का झगड़ा जो है ये वास्तव में प्रेम का झगड़ा है, वो विनाश हो जाता है उस व्यक्ति का। बिना सोचे समझे किसी की भी पक्ष लेता है। अद्वैत तेरा पक्ष है निंदा गदाधर से अधम है कबू न है अद्वैत है किंकर। एक कोई पतित व्यक्ति जो अगर नित्यानंद की, अद्वैत आचार्य की साइड लेता है और नित्यानंद प्रभु को निंदा करता है, कभी भी अद्वैत आचार्य की प्रशंसा करते हुए उनका दास नहीं बन सकता। अद्वैत प्रभु कभी भी अपनी प्रशंसा लेके दूसरे की निंदा को सहन नहीं करते। ईश्वरे से ईश्वरे कलहेर पात्र के बुझी बे विष्णु वैष्णव नीला मात्र। यहाँ पे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही दूसरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से झगड़ रहे हैं। कौन विष्णु और वैष्णव की लीलाओं को कौन समझ सकता है। विष्णु और वैष्णव में समान दुई है पाषंडी निंदके यह बुझे व्यापार विपर्य विपर्य सकल वैष्णव में प्रति अभेद देखी आए कृष्ण चरण भजे से जाए तरिया। विष्णु और वैष्णव बराबर हैं, लेकिन जो एथिस्ट हैं, जो नास्तिक हैं और निंदक हैं, वे दूसरी प्रकार से सोचते हैं। वो व्यक्ति जो कृष्ण के चरण कमलों को पूजता है बिना वैष्णव के भेदभाव के, उसका उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास ताछु पदे युग गान। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु को मेरे प्राण धन जान के मैं वृंदावन दास
उनके चरणों की महिमा गाता हूँ। इस प्रकार से दोनों की वार्तालाप चल रही। इसके पश्चात हम अध्याय 25 पे आते हैं, जिसमें श्रीवास के मृतक पुत्र द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। ये कब होता है क्रिया? जब चैतन्य महाप्रभु और सारे पार्षद मिलके श्रीवास पंडित के आंगन में नृत्य कर रहे हैं, उस समय ये दृश्य आता है। जय जय सर्वलोकनाथ गौरचंद्र, जय विप्र वेद धर्म नाय श्री महेंद्र। गौरचंद्र की महिमा की जय हो, जो ब्रह्मांडों के भगवान है। इसके बाद जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, गौर सुंदर, उनकी जय हो। जो ब्राह्मणों के भगवान है, वेदों के भगवान है, और धार्मिक सिद्धांतों के भगवान है, और सन्यासियों के भगवान है, उन महाप्रभु की जय हो। इसके बाद इसी श्लोक में आ गया क्या है? न्यासी महेंद्र, मतलब जो न्यासियों में सन्यासियों में श्रेष्ठ, कर्मी सन्यासी, ज्ञानी सन्यासी, योगी सन्यासी, इन सब में श्रेष्ठ है। जय सच्ची गर्भ रत्न कारुण्य सागर, जय जय नित्यानंद जय विशंभर। सचिन के माता के गर्भ से जो उत्पन्न हुए हैं, उन सचिन नंदन की जय हो, जो जो करुणा के सागर हैं, नित्यानंद प्रभु की जय हो, उन और भगवान विश्वंभर की जय हो। वही नित्यानंद जो चैतन्य महाप्रभु, वही भगवान विश्वंभर। भक्त गोष्ठी सहित है गौरांगे जय जय, सुनी ले चैतन्य कथा भक्ति लभ है। गौरांग महाप्रभु के जय और उनके पार्षदों के जय हो। चैतन्य महाप्रभु के विषयों को सुन के कोई व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के विषयों को सुन के कोई भी व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मध्य खंड कथा भक्ति रसेर निधान, नवदीपे जे क्रीड़ा करीला सर्व प्राण। तो जो मध्य खंड के विषय हैं, मध्य खंड के जो विषय हैं, जो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान जो सबके प्राण धन है, वो नवदीप में किस प्रकार से लीलाएं करते हैं, ये मध्यखंड में सारे विषयों का वर्णन है। निरावधि करे प्रभु हरि संकीर्तन आपना, ऐश्वर्य प्रकाशे सर्वक्षण। भगवान ने कंटिन्यूसली अपने ऐश्वर्य दिखाए और वो संकीर्तन करते हुए हरि का गुणगान कर रहे थे। नृत्य करे महाप्रभु निज नाम आवेश, हुंकार करिया महा अट्ट अट्ट हस। महाप्रभु जोर जोर से गर्जना करने लगे और अपने स्वयं के नाम का, महाप्रभु जो कृष्ण का नाम है, अपने स्वयं के नाम के कीर्तन करके डांस कर रहे हैं। प्रेम रस निरावधि गदा गदी जाए, ब्रह्मा रे बंदितांगे पूर्णिता धुलाए।
भगवान जो है कंटिन्यूसली रोल करते ग्राउंड में, परम प्रेम में। उनका शरीर जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा भी पूजित है, वो धूल से कवर हो गया। सेवक के रूप में जो चार मुख वाले ब्रह्मा जी, वो भी भगवान के, सुप्रीम भगवान के, भगवान के आध्यात्मिक शरीर का महिमा गाते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी पूरी तरीके से भगवान के प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन एक्सटर्नली वो अपने आप को प्योर नहीं मानते, क्योंकि रजोगुण में कार्य कर रहे हैं। प्रभुर आनंद आव शेर नाहीं अंत, नयन भरिया देखे सब भाग्यवंत। तो जो भाग्यशाली डिवोटी हैं, उन्होंने अपने आंखों की संतुष्टि तक देखा कि भगवान का आनंद का कोई अंत नहीं, भगवान किस तरह आनंद में डूबे हुए। बाह्य हैले वैसे प्रभु सर्वगण लाए, कोना दीना गंगा जले विहार है गिया। जब भगवान ने बाहरी चेतना प्राप्त की, और तो भक्तों के साथ बैठ जाते, और कई बार वो गंगा के जल में जाके वहां पे खेलते थे, क्रीड़ा करते थे। कौन दिन नित्य करी वासे न अंगने, घरे स्नान करे सर्व भक्त गणे। कुछ दिन जो है भगवान आंगन में बैठते डांसिंग करने के बाद, और सारे डिवोटी उनको नहलाते थे। यथाक्षण प्रभुर आनंद नृत्य है, तत्क्षण दुखी पुण्यवती जल वह। जब भगवान आनंद से डांस कर रहे थे, तो जो दुखी है वो भगवान के लिए पानी लाती थी। क्षण के देखा नृत्य सजल नयने, पुनः पुनः गंगा जल वही वही आने। कई कई बार दुखी की आंखों से जल भरता रहता था, भगवान को डांस करते हुए जब देखती थी, और बार बार वो गंगा जल लाती थी भगवान को स्नान कराने के लिए। सारी करी चतुर दिगे ए देख कुदुम्ब गण, देखिए संतोष बड़ श्री सचि नंदन। वो गंगा से जल ला ला के लाइन बना देती थी, उसको देख के सच्चिदानंद बहुत प्रसन्न होते थे। श्रीवासे स्थाने प्रभु जिज्ञासे आपने, प्रतिदिन गंगा जल है कौन जन आने। भगवान श्रीवास से पूछे, गंगा से हर दिन गंगा से कौन जल लाता है। श्रीवास से बोले, प्रभु दुखी बही आने। प्रभु बोले, सुखी करी बोले सर्वजने। श्रीवास बोले बोले हे भगवान, दुखी जो है ये गंगा से जल लाती है। भगवान ने बोला, आज से तुम उनको सुखी बोलो, आज से उनका नाम सुखी हो गया। हे जने रा दुखी नाम कभू योग्य ना है, सर्व काल सुखी है ना मोर चित्ते लाए। इसके लिए दुखी शब्द अच्छा नहीं, मेरी सेवा करे दुखी अच्छा, इसका आज से इसका नाम सुखी हो गया, मैं हमेशा ही सुखी थी। एतक के कारुण्य सुनी प्रभुर श्री मुखे, कांदी ते लागीला भक्त गण प्रेम सुखे। इस प्रकार से करुणा शब्द सुन के भगवान के मुख से सारे डिवोटीज जो है भगवान के आध्यात्मिक आनंद में रोने लगे। सबे सुखी बोली लेना प्रभु आज्ञा है, दासी बुद्धि श्रीवास न करे सर्वथा। भगवान की आज्ञा से सबको इन्हें सुखी कहने लगा।
और उस दिन से श्रीवास पंडित ने उनको अपना मेड सर्वेंट, घर में जो मेड, वैसा स्वीकार नहीं किया उनको, क्योंकि भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दे दिए थे कि सुखी प्रेम योगे सेवा करी ले कृष्ण पति पाई, माथा मोदी ला जम दंड नाए दाई। कोई व्यक्ति कृष्ण को केवल सेवा करके प्राप्त कर सकता है, प्रेम पूर्वक सेवा करके प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई सोचेंगे मैं शेव करा के, अपना सिर शेव करवा के यमराज के दंड से बच जाऊंगा, तो वो संभव नहीं। केवल मात्र संन्यास के बाहरी दिखावे से या अपनी पाप पुण्य क्रियाओं के पछतावे से व्यक्ति कोई भी यमराज के दंड से बच नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा में लगता है तो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। कूले रूपे धनवा विद्याए किचनाए प्रेम योगे भजिला से कृष्ण तुष्ट जाए आए। अच्छा जन्म, सुंदरता, धन, एजुकेशन, ये सब यूजलेस है। कृष्ण प्रसन्न होते हैं अगर कोई उन्हें प्रेम के साथ पूजा करता है। कोई भी व्यक्ति उच्च कुल, शारीरिक सुंदरता, धन, इसके आधार पर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे वर्णन किया कि कुल, रूप, सुंदरता, धन, ये सब विद्या, ये सब यूजलेस है। कृष्ण तभी प्रसन्न होते जब कोई उनको प्रेम के साथ या भक्ति के साथ उनकी पूजा करता। जते के कहले न तत्व तो वेदे भागवते सब देखा ये न गौर सुंदर साक्षात। जो वेदों श्रीमद् भागवतम में जो शिक्षाएं दी है वो गौर सुंदर अपने उदाहरण से सबको बताते हैं, सबको अपने उदाहरण से बता रहे। दासी है यह प्रसाद दुखिए रे रहिला व्रथा अभिमानी सब तहां नग देखिला। तो मेड सर्वेंट होने के बाद भी दुखी, जो दासी होने के बाद भी श्रीवास पंडित के घर में काम करने वाली थी, वो दासी थी, उसने, दुखी ने, उस स्त्री ने जो भगवान की कृपा पाई वो कभी उनको नहीं मिल सकती जो फॉल्सली, झूठे रूप से गर्व करते हैं। तो दुखी ने इस प्रकार से भगवान की सेवा करके गंगा से पानी लाके, उनके स्नान करने के लिए पानी लाके दुखी ने भगवान को प्रसन्न किया, इसके कारण भगवान ने उसका नाम दुखी से सुखी रख दिया। तो वेद और भागवतम में जो बताया गया है उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर ये महिमा गा रहे हैं और इसके पश्चात वृंदावन दास ठाकुर श्रीवास पंडित की महिमा गाते हुए बोलते हैं। भगवान के जो लीला हुई थी कि श्रीवास पंडित के घर में उनकी डांस करते समय, जब सब लोग डांस कर रहे थे, श्रीवास पंडित के मृत्यु, पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वो पूरी कथा है। वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे, आज की क्लास को थोड़ा जल्दी यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आज हमारे मंदिर में सेवा है तो इसको सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा, जो जिस जो अध्याय का नाम है कि किस प्रकार से श्रीवास पंडित के पुत्र की मृत्यु हो गई थी जब चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे, सारे लोग डांस कर रहे थे, उसी से मृत्यु हो गई। लेकिन तब तक श्रीवास पंडित ने किसी को बताया नहीं था। जब कीर्तन खत्म, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा बीच में कि मेरे को अच्छा अनुभव नहीं हुआ, कुछ हुआ है क्या, आपके यहाँ घटना, तब जाके श्रीवास पंडित बताते हैं कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। उसी समय चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके उनके पुत्र की आत्मा को बुलाते हैं। वो सारा वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे, अलग वर्णन है। आज की क्लास को यहीं पे थोड़ा हम जल्दी विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।